सो हेलो एवरीवन, आज हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग का चौथा लेक्चर, जिसका नाम है प्रोड्यूसर सरप्लस। मैंने आपको बता दूँ कि इससे पहले हमने तीन लेक्चर देखा था। यदि आपने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तीन लेक्चर मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हूँ एग्रीकल्चर मार्केटिंग का, और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सभी को क्लियर किया हूँ, और एग्ज़ाम में क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है उसके बारे में भी चर्चा किया हूँ। तो वीडियो को बिना देरी किए हम स्टार्ट करेंगे। आखिर हमारा चौथा लेक्चर यानी प्रोड्यूसर सरप्लस होता है क्या है? यह एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम में ये आने के 100% चांसेस है कि पूछेगा कि प्रोड्यूसर सरप्लस से आप क्या समझते हैं, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोड्यूसर सरप्लस। तो वीडियो को बिना देरी किए हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, हम पूरी समझेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो शुरू से हम देखेंगे कि अब देखते हैं हम क्या है। देखेंगे कि अन्य क्षेत्र के विपरीत किसान द्वारा अन्य क्षेत्र के विपरीत किसान द्वारा अपने खेत में उत्पादित हर चीज़ उपभोक्ता को नहीं बेची जाती है। बिल्कुल ये बात सही है कि कोई भी किसान अपनी हर एक चीज़ को, जो भी खेती करता है उसकी हर एक चीज़ को वह क्या करता है, बेचता नहीं है। कुछ चीज़ें अपने पास रखता है। ओके, अधिकांश किसी वस्तुओं में विपणन की गई मात्रा उत्पादित मात्रा से भिन्न होती है। एक किसान अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद उपज बेचता है। बिल्कुल, जब किसान अपने घर की जो आवश्यकताएं हैं उसकी नीड को जब पूरा कर लेता है, तभी वो क्या करता है, मार्केट में जाकर उसको बेचता है या फिर उसको मार्केटिंग कर देता है। यदि घर की आवश्यकता की नीड नहीं पूरी हो पा रही है तो मार्केट में उस प्रोडक्ट को सेल नहीं करेगा। और आगे देखेंगे, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था में उत्पादक के किसी उत्पाद का अधिशेष एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वह मात्रा है जो वास्तव में देश की गैर उत्पादक आबादी को उपलब्ध कराई जाती है। विपणन की दृष्टि से यह अधिशेष वस्तुओं के कुल उत्पादन से अधिक महत्वपूर्ण है। विपणन और बाजारों के विस्तार की व्यवस्था केवल किसान के पास उपलब्ध अधिशेष मात्रा के आधार पर की जाती है, न कि कुल उत्पादन के आधार पर की जाती है। देखिए, कहने का मतलब क्या है कि किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था में हमारा जो उत्पादक होता है, प्रोड्यूसर होता है, वो किसी उत्पाद का जो सरप्लस होता है इसमें हमारा एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। यह वह मात्रा है जो वास्तव में यह वह रोल है जो वास्तव में देश की गैर उत्पाद आबादी यानी जो नॉन फार्मिंग पॉपुलेशन है को उपलब्ध करवाई जाती है। बिल्कुल, आप मान लीजिए कोई फार्मर ही देखा जाए तो अपनी क्रॉप्स को ग्रो करता है, और जो नॉन फार्मल जो पॉपुलेशन होता है उसको क्या करता है, सप्लाई करता है, उनकी नीड को पूर्ति करवाता है। ये हमारा किसान ही एक है। आगे देखेंगे, विपणन की दृष्टि से यह अधिशेष वस्तुओं के कुल उत्पादन से अधिक महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो मार्केटिंग के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जैसे हमारा कपड़ा हो गया, तो कपड़े से जरूरी हमारा क्या हो गया, भोजन है। ओके, तो कहने का मतलब यही है कि जो विपणन की दृष्टि से या अधिशेष वस्तुओं के कुल उत्पादन से अधिक महत्वपूर्ण हमारा फार्मिंग है। विपणन और बाजारों के विस्तार की व्यवस्था केवल किसानों के पास उपलब्ध अधिशेष मात्रा के आधार पर की जाती है, न कि कुल उत्पादन के आधार पर की जाती है। और आगे बढ़ेंगे तो और आगे बढ़ते, जिस दर से किसी उत्पादन का विस्तार होता है, जिस प्रकार किसी उत्पादन का विस्तार होता है वह किसी विकास की गति को निर्धारित करता है। जबकि विपणन योग्य अधिशेष यानी मार्केटेबल सरप्लस में वृद्धि आर्थिक विकास की गति को निर्धारित करती है। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ देश के आर्थिक विकास के लिए विपणन योग्य अधिशेष में वृद्धि होनी चाहिए। यद्यपि विपणन प्रणाली का सरप्लस से अधिक सरोकार है जो बाजार में प्रवेश करता है या प्रवेश करने की संभावना है, इस
अधिशेष के लिए कुल उत्पादन की मात्रा भी आवश्यक हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। किसी वस्तु का उत्पादन जितना बड़ा होगा उस वस्तु का अधिशेष भी उतना ही अधिक होगा। बिल्कुल, जो मार्केटेबल सरप्लस है हमारा, मान लीजिए उत्पादन आप इस एरिया में किए और 10 क्विंटल आप उत्पादन किए, अब 10 क्विंटल से आप लगभग 100 लोगों का घर तो आराम से चला लोगे। एक साल नहीं तो 1 महीना चलेगा, 2 महीना चलेगा, 4 महीना चलेगा। तो ये हमारा मार्केट 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 सरप्लस से ही होता है। आगे देखेंगे कि हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस के कितने प्रकार होते हैं, तो देखते हैं। तो देखिए, जो मार्केटेबल सॉरी प्रोड्यूसर सरप्लस होते हैं मुख्यतः वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। यानी कि हमारा द प्रोड्यूसर सरप्लस इज़ द क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस विच इज और कैन बी मेड अवेलेबल बाय द फार्मर्स टू द नॉन फार्म पॉपुलेशन। द प्रोड्यूसर सरप्लस इज ऑफ 2 टाइप्स। पहला हमारा आता है मार्केटेबल सरप्लस। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे मार्केटेबल सरप्लस होता क्या है। मार्केटिंग अधिशेष उत्पाद जो होता है इसकी वह मात्रा होती है जिसे किसानों के द्वारा, यानी कि मार्केटेबल जो सरप्लस होता है वह उत्पाद की वह मात्रा होती है जिसे किसानों के द्वारा किसी के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में कार्य नॉन फार्मिंग पॉपुलेशन कर रहे व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु उपलब्ध कराया जाता है। यानी कि यह प्रोडक्ट की वह मात्रा होती है जो नॉन फार्मिंग पॉपुलेशन को प्राप्त करवाई जाती है। यह एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही होता है, यह हमारा एग्रीकल्चर ही प्रोडक्ट होता है जो क्या करता है, जो नॉन फार्मिंग पॉपुलेशन है जो शहरों में रहते हैं, देश विदेश सॉरी हमारे जो मुंबई दिल्ली में रहते हैं, उन लोगों को प्रोवाइड करता है, उनकी नीड को पूरी करती है। ये हमारा इसमें आता है मार्केटेबल सरप्लस में आता है। आगे देखेंगे कुल उत्पादन की मात्रा में से विभिन्न आवश्यकताएं जैसे परिवार के कंजम्पशन के लिए, बुवाई के लिए सीड, पशुओं के लिए दाना, श्रमिकों को मजदूरी का उत्पादन के रूप में भुगतान की जाने वाली मात्रा को घटाने पर जो मात्रा शेष रहती है वह उत्पादन की बिक्री यानी मार्केटिंग मार्केटेबल सरप्लस कहलाता है। देखिए हमारी उत्पादन जो टोटल प्रोडक्शन जो हमारा हो रहा है उनमें से हम विभिन्न प्रकार की जो हमारी नीडें होती है, जैसे परिवार में कंजम्पशन के लिए जो नीड होती है, बुवाई के लिए हमारी जो सीड के लिए सीड की जो नीड होती है, पशुओं के लिए दाना की जो नीड होती है, या फिर श्रमिकों को जो मजदूरी की नीड होती है, इनमें हम क्या करते हैं उत्पाद के रूप में हम भुगतान करते हैं, और भुगतान करके हम जो मात्रा घटाते हैं और जो मात्रा हम प्राप्त करते हैं उसको हम बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस कहते हैं। यदि समझ नहीं आया होगा तो पीछे करके आप फिर से देख लीजिए वीडियो को। ओके, तो इसका एक फार्मूला है हमारा मार्केटेबल सरप्लस बराबर प्रोडक्ट्स माइनस कंजुम्पशन। यानी कि देखा जाए तो वेयर हमारा MS का मतलब होता है मार्केटेबल सरप्लस, OP का मतलब होता है टोटल प्रोडक्शन, NC का मतलब होता है टोटल रिक्वायरमेंट्स या फिर फैमिली कंजम्पशन या फिर फार्म नीड्स या फिर पेमेंट टू लेबर, ये सब हमारा C से आता है। यानी कि MS बराबर P-C, ये फार्मूला हो गया, रट लीजिएगा, इम्पोर्टेंस है। आगे देखेंगे दूसरा हमारा आता है मार्केटेड है सरप्लस। तो उत्पादों की वह मात्रा जो किसानों के द्वारा उपभोक्ताओं के रूप में अथवा व्यापारियों को अथवा दोनों को वास्तविक रूप में विक्रय की जाती है। यानी उत्पादों की वह मात्रा में जो किसानों के द्वारा उपभोक्ता को सीधे रूप में या व्यापारियों को अथवा दोनों को वास्तविक रूप में विक्रय की जाती है। अभी और देखेंगे आगे क्या है। विक्रित अधिशेष यानी मार्केटेड सरप्लस की मात्रा उत्पादक कृषकों के स्वयं के परिवार, पशुओं के लिए दाना, बुआई के लिए बीज, श्रमिकों की मजदूरी करने के लिए उत्पाद की आवश्यक मात्रा के अतिरिक्त उत्पाद की प्रचलित कीमत प्रतिस्पर्धा वाले उत्पादों की कीमतों, कृषकों को वित्त की आवश्यकता एवं
उत्पाद की भावी कीमतों की स्थिति आदि कारकों पर निर्भर करती है। उत्पादों की दृष्टि से उत्पाद की मार्केटेड सरप्लस की मात्रा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मार्केटेड सरप्लस की मात्रा किसानों की आवश्यकता को पूरा करती है। धन संबद्ध कराने में सक्षम होती है। मंडी में विभिन्न विपणन सुविधाओं का विकास भी मार्केटेड सरप्लस की मात्रा पर निर्भर करती है। बिल्कुल, देखा जाए हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, हमारे पास क्या है, एक प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट को हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, कंज्यूमर यानी उपभोक्ता तक पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में है, विक्रय करने पर हम विक्रय करेंगे, ठीक है। इसमें हम जो भी क्वांटिटी हम विक्रय करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, मार्केटेड सरप्लस कहेंगे। जो भी हम स्टॉक सेल करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मार्केटेड सरप्लस कहेंगे। चलिए आप समझ गए होंगे, चलिए हम और आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं इसमें रिलेशनशिप बिटवीन मार्केटेड सरप्लस एंड मार्केटेबल सरप्लस। तो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। तो किसान की स्थिति यानी कंडीशन ऑफ द फार्मर्स और फसल के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स के आधार पर मार्केटेड सरप्लस मार्केटेबल सरप्लस से अधिक या कम या बराबर हो सकता है। यानी जो मार्केटेड सरप्लस जो होता है वो मार्केटेबल सरप्लस से अधिक हो सकता है, या फिर बराबर भी हो सकता है, या फिर कम भी हो सकता है। बिक्री विक्रय अधिशेष व विक्रित अधिशेष में संबंध निम्नानुसार हो सकता है। इसे इधर लिखा है कि मार्केटेड सरप्लस, और इधर दिया गया है मार्केटेबल सरप्लस। तो देखा जाए तो हमारा मार्केटेबल सरप्लस हमारा अधिक हो गया है, किससे, मार्केटेड सरप्लस से। कम भी हो सकता है, यानी कहने का मतलब है मार्केटेड सरप्लस हमारा कम हो गया है और मार्केटेबल सरप्लस अधिक हो गया है। तो ठीक है, तो हमारा हो जाता है ये, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है इकोनॉमिक सरप्लस। तो कुल आर्थिक अधिशेष इन दोनों का जोड़ होता है। कुल आर्थिक अधिशेष का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक सरप्लस जो होता है इन दोनों का जोड़ होता है, यानी कि मार्केटेबल सरप्लस, ठीक है, मार्केटेबल सरप्लस, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसके जो टोटल जो हमारा होगा, टोटल हमारा आएगा इकोनॉमिक सरप्लस, यानी ईएस। समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे, सप्लाई एंड डिमांड। तो सप्लाई और डिमांड के बारे में मैंने एक पार्टिकुलर वीडियो बनाया था, क्या होता है क्या नहीं होता है। सप्लाई का मतलब होता है कि किसी चीज़ को हम मार्केट में बेचने के लिए जब उपस्थित करते हैं, प्रोडक्ट को पेश करते हैं, तो उसको हम सप्लाई कहते हैं। और डिमांड का मतलब क्या होता है, हमें किसी चीज़ की नीड है और हम मार्केट से जाकर खरीद के लेकर आ रहे हैं भुगतान करके, तो उसको हम डिमांड कहेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।